नमस्कार किसान भाइयों, मैं बंटी मीणा आपका स्वागत करता हूं राजस्थान फार्मिंग में। आज आपको केचुए खाद के बारे में नई जानकारी और नई तरीके से जो मैंने किया काम उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे मैंने खेले तैयार की थी, ये चार खेले मैंने तैयार किए। फिलहाल मैं एक खेली को स्टार्ट किया हूँ केचुए खाद के लिए। तो इसके अंदर मैंने ढाई ट्रॉली खाद भैंस का गोबर का मैंने ढाई ट्रॉली खाद का इसमें स्टॉक किया है, जो कि मैंने जगह जगह इसको जैसे कि इकट्ठा करके उसके 7 दिन को ठंडा किया, फिर उसको यहाँ पे डाल के इसको गुंबद आकार में मैंने बना दिया। अब इसके बाद में मैंने इसमें केचुए डालने होते हैं। वो केचुए डालने का तरीका देखिए सर कि इसके अंदर जो केचुए हैं वो करीबन 20-22 किलो इसमें केचुए 20-22 किलो केचुए इसमें डलेंगे। तो उनको क्या होता है कि कई किसान भाई केचुए जैसे कि ये केचुए हैं इनको उठाया और ऊपर ऐसे डाल देते हैं, तो वो बहुत गलत तरीका है। क्योंकि केचुए क्या होता है कि कई बार ऊपर डालने के बाद गुंबद आकार होती है, तो उससे क्या है कि नीचे की तरफ जो मिट्टी है उस तरफ निकल जाते हैं और वो इसमें नहीं आ पाते हैं। तो इसको डालने का तरीका सीधा सा है कि जैसे कि मैंने ये मेड़ बनाई थी, इसके अंदर ये छोटे छोटे गड्ढे कर दिए हैं, इनके अंदर केचुए डाल दिए जाएंगे। बाकी केचुए खाद का जो प्रयोग है वो सभी को पता है कि केचुए खाद का प्रयोग बहुत बेस्ट है। हर खेती के अंदर हर प्रकार की जो खेती होती है उसमें इसका खाद का जो रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट है। ऑर्गेनिक चीज़ है और लो मेटेरियल, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जब केचुआ खा के अपना वेस्ट निकालता है तो उस चीज़ का जो उसमें जो वेस्ट है उसके अंदर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है वो बहुत अच्छी होती है और उससे फसल में बहुत अच्छी बढ़वार और पैदावार मिलती है। तो इसको डालने का मैं तरीका है कि जो ये केचुए हैं इनको जैसे कि मैं आप दिखाई इधर आइए कैमरा में, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है केचुओं की, ये मैंने मंगवाए हैं, ये देखिए। अब इनको मैं इनमें थोड़ा थोड़ा करके सभी में डाल दूंगा ताकि ये केचुए अपना काम स्टार्ट करें। और इनमें डालने के बाद ये जब केचुए 2 महीने बाद जब निकलेंगे तो इनकी तादाद इनकी मात्रा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि इनके अंदर इसके अंदर बहुत सारे इसके अंडे हैं, इसके अंदर जब ये अंदर खाएंगे तो इनका जब प्रजनन करने का प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी और ये अच्छे से बढ़ते रहेंगे तो ये चलते रहेंगे। अब इनको क्या होगी जैसे कि ये केचुए डाल दिए, गोबर को वापस बराबर करके ये कहाँ से, क्योंकि जूट का मैंने काम जूट की जो बोरियाँ आती है उनका मैंने प्रयोग नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ा कॉस्टली होता है। मैंने जो कांस है इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये केचुए मैंने लिए, ये मैंने डाल दिया, अब वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए एक जो केचुए मैंने छोटे छोटे गड्ढे करके इसमें डाल दिए, बाकी इनको मैं ये इस तरीके से वापस इसको पैक कर दो ताकि केचुआ बाहर जाने का चांस खत्म हो गया, क्योंकि वो जाएगा अब सीधा नीचे ही और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इसको बराबर मैंने कर दिया, 2 मिनट ये कंप्लीट हो गया सर। इसके बाद में जो कांस है इसको कुछ नहीं, इस तरीके से इसको ढांकते हुए निकलना, क्योंकि केचुए को एक सीधा सा मैटर है कि केचुए को बिल्कुल प्रकाश नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल अंधेरा चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से काम करता है और अच्छे से ये रिजल्ट दे पाएगा। कई किसान भाई क्या करते हैं कि केचुआ तो डाल लेते हैं कि अपने, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं कि उनको ढकते नहीं है और खुला छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। इस तरीके से इसको ढक दीजिए ताकि ये अपना काम जब अंधेरा हो जाए, जैसे कि इसको बिल्कुल अंधेरा मिलेगा तो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंप्लीट मैंने इसको ढक दिया, इसकी मैंने जितनी मोटी परत की है उतनी मैंने मोटी परत कर दी है। और बाकी अब इसके अंदर जैसे डेली का रूटीन बनाना होगा कि डेली इसमें पानी का स्प्रे करना होगा, जो कि मॉर्निंग को करो या शाम को करो, लेकिन स्प्रे करते रहना होगा ताकि उनको क्या है कि जब खाद में नमी होगी तो केचुआ ऑटोमेटिकली खाएगा और चलता रहेगा। जब ये धीरे धीरे इसका 20 दिन का प्रोसेसिंग हो जाएगा तो उसके बाद में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसका जैसे कि इसकी प्रोसेसिंग जैसे कि खाद की छटाई कैसे करें और केचुए को कैसे बाहर निकाल के दूसरी खेली में इसका इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।
जय जवान जय किसान। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।